है चैनल ब्लॉसम वाइब्स, मैं हूं आपके साथ नैन्सी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित भी। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि जिन लोगों के नेल्स खराब हो जाते हैं, जिन लोगों के नेल्स में इतनी गंदगी भर जाती है और वो साफ नहीं होते हैं और नेल्स का पीला पड़ जाना कहीं ना कहीं हमें खुद से शर्मिंदा करता है। बॉडी का हर एक अंग जो है क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वो अंग अगर किसी के सामने दिखाई पड़े या फिर बाहर दिखाई पड़े तो उससे सिर्फ और सिर्फ यही शो होता है कि हम जो है काफी ज्यादा गंदगी रखने वालों में से हैं। पर नाखून का गंदा होना, नाखून का काला पड़ना, पीला पड़ना यूजुअली बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसके लिए हम जो है तमाम महंगी क्रीम्स का सहारा भी लेते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। जिन्होंने मेरे नेल एक्सटेंशन की वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो जाके आई बटन पे, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, आपके आई बटन पे दिखाई देगा, वो वीडियो आप जाके जरूर चेक करना। मेरे भी नाखून बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, क्योंकि मैंने जब नेल एक्सटेंशन कराया था तो नेल्स काफी ज्यादा हद तक डैमेज हो गए थे, मगर अब उन डैमेज नेल्स को मैंने अच्छे से रिपेयर कर लिया है। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी हद तक मेरे नेल्स वापस मेरे पुराने फॉर्म में आ गए हैं। आखिरकार मैं उन गंदे नेल से अपने वापस अच्छे और प्यारे नेल्स तक कैसे पहुंची हूं, ये मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ट्रिक बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे तो आप रिजल्ट जो है महज एक हफ्ते में देखेंगे। 5 से 7 दिन हर रेमेडी को असर करने में वक्त लगता है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा से बोलती हूं कि या तो 5 दिन या फिर 7 दिन आपको रिजल्ट देखना है तो इतना तो आपको होम रेमेडीज को फॉलो करना ही होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि कितने सिंपल तरीके से आप जो है अपने गंदे काले पीले या फिर अगर नाखून में कुछ चला गया है, नहीं हट रहा है, बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं, जितनी भी तमाम चीजें होती हैं उसे कैसे सिंपल तरीके से आप दूर करेंगे, देखिए मेरा ये खास वीडियो। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। जो इंग्रेडिएंट्स आज हमें चाहिए वो है कोलगेट यानी कि टूथपेस्ट, नींबू, वैसलीन और टूथपिक। सबसे पहले हम कोलगेट को नींबू के ऊपर लगाएंगे। मैंने यहाँ पर कटा हुआ एक नींबू लिया है, उसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से टूथपेस्ट को लगा रही हूँ। आपको भी कुछ इस तरीके से टूथपेस्ट लगाना है और फिंगर की हेल्प से लेमन के ऊपर अच्छे से टूथपेस्ट को स्प्रेड कर लेना है और कुछ इस तरीके से अब जो है आप अपने नेल्स के टॉप पर टूथपेस्ट और लेमन को कुछ इस तरीके से लगाएंगे, जिस तरीके से मैं इस वीडियो में लगा के आपको दिखा रही हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको लेमन को थोड़ा सा स्क्वीज़ करना है ताकि लेमन के जो बीज हैं वो अच्छे से निकल जाएं। और जैसे मैं यहाँ पर आपको अपने नाखूनों के ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर कर के दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से ही आपको भी लगाना है ताकि अच्छे से झाग बन जाए। फिर आप करेंगे कि टूथपिक की मदद से आप जो है अपने नेल्स को क्लीन करेंगे, यानी कि नाखूनों के अंदर जो काली मैल भर गई है टूथपिक की मदद से आप उसको कुछ इस तरह से निकालेंगे और 15 मिनट के बाद आप अपने हाथों को धो लेंगे। रिज़ल्ट आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर वॉश करके नेल्स यहाँ पर आपको दिखाया है। उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप ये है कि यहाँ पर आपको लेना है छोटू पैकेट वैसलीन का और वैसलीन को आपको अपने नेल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है। वैसलीन लगाने के फ़ायदे ये हैं कि इससे आपके नाखून स्ट्रॉन्ग होंगे और इस पर शाइन हमेशा के लिए बनी रहेगी अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे लगाएंगे। नाखून आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखा आपने, बेहद ही सिंपल इंग्रेडिएंट से यहाँ पर आप अपने गंदे नाखूनों को यानी कि अपने गंदे नेल्स को साफ कर सकते हैं। ना तो ज्यादा खर्चा होगा और ना ही महंगी महंगी क्रीमें आपको खरीदनी पड़ेंगी। एक हफ्ता मेरे कहने पर आप इस ट्रिक को डेली अपने नेल्स पे करके देखिए, आप
खुद देखेंगे कि आपके जो वो गंदे काले पीले जो नाखून हो गए हैं वो कितने ज्यादा व्हाइट हो गए हैं और एकदम से अपने पुराने वाले नेल्स के फॉर्म में आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी हेल्प काफी ज्यादा करेगी, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल मैं तो चलिए, अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो फौरन ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।